दो दिन से कुछ खाया नहीं, ये सामान उठाऊंगा, कुछ पैसे मिलेंगे तो खाना खा लूंगा। खाया नहीं तो मैं क्या करूं? जानता नहीं ये मिदनापुर स्टेशन है, यहाँ सभी रजिस्टर्ड कुली हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। नीचे रख रख उठ और निकल जाए यहाँ से बाहर, नहीं तो बहुत पड़ेगी। चल जा, इधर आ, इधर आ, इसे उठाओ। अच्छा जाओ, आप लोग भी जाइए। तो हर बिगड़ल बचलनिया कैसे सफरी, तान के सीना चले हसीना गलियन के बाजार। तो हर बिगड़ल बचलनिया कैसे कैसे सफरी हो, तो हर बिगड़ल का 100 रुपया। अरे भगवान, तो हर महिमा परम पार बा। तोहर बिगड़ल बचलनिया कैसे सफरी, तोहर बिगड़ल यहाँ का है सुतल है रे भाई। अरे उठो, ट्रेन यार्ड में आ गया है, पैसेंजर लोग कब स्टेशन पर उतर गया है। अरे हमको ट्रेन साफ करना है भाई, जल्दी उठो। ये तो कुछ सुनिए नहीं रही है, कहीं मार उड़ गई का? अरे कोई देख लेगा तो हम फंस जाएंगे भाई। अरे मरी नहीं है, ये तो जिंदा है। अरे हम कहाँ करें रे बाबा, ये हम कौन झमेला में फंस गए। अरे उठना, अरे उठो। अरे ये सिद्धू क्या हुआ रे? अरे देखो ना रश्मि, हम कितना मुसीबत में फंस गए हैं, हम कब से उठा रहे हैं, जागिए नहीं रही है, तुम ही जगाओ ना जरा। ये सिद्धू, इसकी तो नई नई शादी हुई है, देखना पाँव में लाली लगी है। ए बेटी उठ, अरे उठ ना, अरे उठ, और कितना सोएगी। ए बेटी उठ ना, उठ 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 उठ। ए बेटी तेरा नाम क्या है, घर कहाँ है तेरा? ए बेटी कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। ए बिटिया कुछ बोलो ना, इतनी सुंदर बिटिया कुछ बोलती क्यों नहीं, खामोश क्यों है? रोना नहीं, रोना नहीं, समझ गई तेरी परेशानी, मैं समझ गई। इधर आ, तू सोच ले कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ। आ बेटी मेरे पास आ, चल मेरे साथ चल। अरे भगवान, तुम्हें अपना बंदा को बनाया है और उसको इतना तकलीफ काहे दे रहा है, अपना बंदा को माफ कर दो भगवान, माफ कर दो।
अरे मैंने देखा कि अचानक एक कुली कहां से आ गया। आइंदा ध्यान रखना, कोई नया कुली ना आ सके, ध्यान रखना। हाँ उस्ताद। क्या हुआ उस्ताद, चुप क्यों हो गए? बीच में कुछ मत बोल, मैं सिनेमा देख रहा हूँ। सिनेमा? दिन दोपहर में स्टेशन में सिनेमा कहाँ जा गया? अबे अकल के अंधे तू नहीं समझेगा, चल हट यहाँ से, मुझे सिनेमा देखने दे। क्या चक्कर, सुपर फिल्म है यार। कौन है? क्या रे सरदार, ये रश्मि इधर है और इधर उधर क्या देख रहा है तू? हाँ नहीं, सिनेमा देख रहा था। सिनेमा? अच्छा, आज मैं तुझे सिनेमा दिखाती हूँ। सिनेमा देखेगा? हाँ? साला बदमाश, मैं हूँ ना, और मेरे रहते इस एरिया में तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बेटी है मेरी, अभी भी नहीं बताएगी तेरा नाम क्या है, कहाँ से आई है, कुछ तो बोल। रोना नहीं, रोना नहीं। अच्छा अच्छा मत बोल। पहले नहा धो ले, फिर खाना खाते हैं, फिर सब कुछ बता देना। हाँ ठीक है, चल। मेरे पास कपड़े नहीं है। अरे कपड़ा मैं दिलाती हूँ ना, चला चला, जल्दी आ, जल्दी आ जा। तुम्हें बताओ मंगू, इतनी बदनामी मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? उसके माँ बाप नहीं थे, बचपन से मैंने ही उसे पाला पोसा है, और मेरी उसी बच्ची को खाना नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, दिन रात उसे सिर्फ कष्ट ही दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसे अपने शौहर के साथ भी नहीं रहने दिया। मैंने पता किया तो उसके ससुराल वाले उसके गहने भी उतार कर रख लिए थे। इतना अत्याचार उसने बर्दाश्त कैसे किया? वो मेरे पास क्यों नहीं चली आई? मैं तो जिंदा थी ना, तो मेरे पास क्यों नहीं चली आई? इतना सारा खर्चा करके मैंने उसकी शादी करवाई थी। पैसे तो जो खर्च किए वो किए, लेकिन उन लोगों को जो आधे पैसे नहीं दिए वही गड़बड़ हो गई। बाकी के जितने पैसे भी उसने भेजे सब लेकर चला जा, लेकिन मेरे गुलाबों को मेरे घर ले आओ, मेरे गुलाबों को मेरे घर ले आओ, मेरे गुलाबों को घर ले आओ। ये ले, तू अपने बाल सवार ले, तब तक मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ को भुलाना ना।
देखो शर्माए कैसे, आखिर दिल का हाल सुनाए कैसे। मुखड़ा बन्नो का देखो लाल है शर्म से, चली है सजन घर गोरी मिलने सनम से। हाय मुखड़ा बन्नो का देखो लाल है शर्म से, चली है सजन घर गोरी मिलने बलम से। अरे एक नाट चुरने को है एक नाट टूटा, मन में देखो गोरी के प्यार का लड्डू फूटा। हाय हाय प्यार का लड्डू फूटा। आपने मुझे बुलाया था जी। मैं कुछ कहना चाहती थी। गुलामों के माँ बाप नहीं है, मैंने ही उसे बचपन से पाला पोसा है। सब जानता हूँ कि आपने ही उसकी देखरेख की है। वो क्या है ना कि मेरा बेटा विदेश में रहता है, उसने ये लीजिए आपके रुपए। ये कितना है? आपने जितना कहा था उसका आधा है। मेरा बेटा जब पैसे भेजेगा तो बाकी के भी दे दूंगी। आप समझते हैं कि विदेश की बात है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पूरे मिल जाते तो और खुशी होती, और कुछ नहीं। मैं एक साहब गुलाब मेरी आंख का तारा है, उसे ठीक से रखिएगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, आज से आपकी बेटी हमारी बेटी है। चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठहरो। रुपए मिल गए क्या? मेरा कमीशन का है। दे दूंगा। दे दूंगा मतलब? वादा किया था ना, वहां से रुपए मिलते ही पहले मुझे दोगे। आधा ही तो दिया है। अरे तो आधा क्यों लिया? ना मतलब सुनो, जब तक बाकी के रुपए नहीं मिल जाते शौहर को दुल्हन के कमरे में मत घुसने देना। क्या है, मुमकिन है? मुमकिन है। मैं इस इलाके का सरपंच हूँ, 7 दिन के अंदर तुम्हारे सारे रुपए निकलवा दूंगा। जाओ। सलाम वालेकुम। मिले हैं
जिस दिन पूरे रुपए आ जाएंगे उसी दिन ये तेरी बीबी बनेगी। तू जाकर दूसरे कमरे में सो जा, जा। बहू दरवाजा बंद कर लेना। चलो वो कर लेगी। चलो। क्या हुआ? सुबह हो गई दिखाई नहीं देता? ससुराल में कैसे रह जाता है पता नहीं? जाओ घर का काम शुरू करो। कर दो अम्मी और अब्बू की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसका मुझे बहुत दुख है। तुम जरा बाहर आओ ना, बाहर कहीं बैठ के हम दोनों कुछ बातें करेंगे। आओ ना। मौसम अच्छा नहीं है, यहाँ हमेशा चोरी डकैती होती रहती है। कल रात भी पास के गांव में चोरी हुई थी। तुम ये गहने उतार दो, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अरे उतारो ना। क्या सोच रही हो, उतारो जल्दी करो, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। जल्दी करो। हाँ उतारो। किसके दुकान से माल लाया रे? संजय मिश्रा के दुकान से। 3 नंबर का माल दिया, 60% पानी मिला है। अरे रात जितनी बढ़ती है वो साला माल में पानी बहुत मिलाता है। सही। इस साले के देखो पता नहीं क्या करेगा। शादी करके आया, माँ बाप के डर से बीवी के कमरे में नहीं जा सकता। तू क्या हिजड़ा है रे? आज ये तू अपने बीबी के कमरे में घुसेगा। ये ले शादी का माला भी बना दिया। ये ले थोड़ा ज्यादा पी ले आज। अरे पी ले, पिएगा तो हिम्मत आ जाएगी। कमरे में जाऊंगा उसके पास।
कल सुबह तुम लोगों को बताता हूँ। मांगो सोना चांदी, मांगो दर्शन देवी। ना मांगो सोना चांदी, मांगो दर्शन देवी, तेरे द्वार कड़ा एक जोर। ना मांगो सोना चांदी। जब तक सारे रुपए नहीं मिल जाते तब तक मुझे हाथ मत लगाना। क्या अपने शौहर को जवानी टेस्ट नहीं करने दोगी? मैं क्या होटल का खाना हूँ जो मेरा स्वाद चखोगे? वाह 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 वाह, आखिर मुंह से आवाज निकल ही गई। सारे गांव के सामने निकाह करके लाया हूँ, जरा छूने तो दो। जो मेरे साथ जबरदस्ती करेगा उसके मुंह में मैं आग लगा दूंगी। क्या तुम मेरे मुंह में आग लगाओगी? मेरे मुंह में तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी भी वक्त है, मुझे अपने पास आने दे। आने दे, ज्यादा नखरा दिखाएगी ना तो तलाक दे दूंगा। क्या तू तलाक देगा मुझे? तू तलाक देगा? तलाक देने का हक तुम मर्दों को ही है क्या? हम औरतों को नहीं? हम तलाक नहीं दे सकते क्या? मैं तुझे तलाक देती हूँ। एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक, तलाक पे तलाक। एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक, तलाक पे तलाक। एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक, तलाक पे तलाक। तुम्हारा नाम क्या है अभी भी नहीं जान पाए। तुम हो मेरी रोमांटिक सिनेमा, तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया। मैं इस स्टेशन का सरदार हूँ। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो भी तुम चाहो सब तुम्हें दूंगा, रानी बना कर रखूंगा। एक बार छूने देना इस शरीर को। एक गजरा अब तुम अपने बालों में लगा लो ना। देखो तुम्हारे हाथ में पड़ते ही इसकी खुशबू बदल गई। अरे मारती क्यों है? बात नहीं समझती, बाद में आता हूँ मैं, फिर बताऊंगा। चाहे जो भी कर लो, तुमने जो अपने घर में फूल लगा रखा है उसका मजा मैं ही लूंगा, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। पैसे दे, पैसे दे। अरे 100 नहीं 200 दे। ओ गुलाबो, 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 3 बोतल तो दे। दे, 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 दे। ये ले, जल्दी ले और निकल यहाँ से, भागो। दो क्वार्टर। तलाशी लो। जी सर। अरे कुछ नहीं। अरे चुप, जब भाव के साथ बोतल बांध के रखती है। ये देखिए सर। चल थाने। अरे छोड़ो, रुको, पहले मैं अपनी बेटी से थोड़ा बात तो कर लूं। गुलाबो, ए गुलाबो, तू डरना मत बेटी, मैं यूं गई और यूं आई, और अगर ज्यादा डर लगे तो वहाँ सामने जाकर प्लेटफॉर्म में सो जाना, ठीक है? ए पुलिस वाले चलो। ए, चल।
हाँ? रश्मि अभी तक आई नहीं क्या? नहीं, लेकिन वो तो जब भी जाती है जल्दी वापस आ जाती है, इस बार क्यों नहीं आई? ओ समझ गई, वो नया ऑफिसर आया है ना, इसलिए शायद रश्मि आई नहीं। तुम कोई चिंता मत करना, मैं हूँ ना, ठीक है। सुनाए भी तो किसको सुनाए।
को सुनाए क्या कसूर मेरा। किस्मत में जो था वही हुआ है, दोष तुम्हारा नहीं है, शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था। चारा तैयार हो गया। अरे चाचा, गुलाबो वापस आ गई है। हा? क्या कह रहे हो, गुलाबो वापस आ गई? गुलाबो, तू इतने दिन कहाँ रह गई थी बेटी? तेरी ये हालत कैसे हुई? तुझे ऐसी हालत में देखूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था बेटी, मैंने सोचा भी नहीं था। तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली बेटी, तू मुझे कहीं नहीं मिली। ये क्या हो गया बेटी? Ugh!
अरे किसने बांधा मुझे? किसने बांधा? और छेड़ोगे मुझे? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं बोलूंगा। खोल दे मुझे। क्यों, तकलीफ हो रही है? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, खोल दे मुझे। अरे खाला, साला अपना तो तकदीर ही खराब है। मैं कल लंदन चला जाऊंगा। ए, कुछ बोलोगी नहीं? मुझे खत जरूर लिखना। खत लिखकर क्या होगा, लंदन इतना बड़ा शहर है, वहां की भीड़ भाड़ में मैं क्या याद रह पाऊंगी? तुम्हें चाहकर भी मैं भुला नहीं पाऊंगा। खत जरूर लिखना। कोई बात नहीं होती क्या? वो अपनी बेटी और बीवी को लेकर यहाँ कभी क्यों नहीं आता, तुमने कभी पूछा नहीं? सारे खत में तो वो यही लिखता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं आया। ना अब तक बहू को देखा, ना पोती समीना को। देखिए वही सारे खत है, देखना। गुलाबो, ए बेटी, एक तो खत पढ़ दे, पढ़ना। पढ़ती हूँ। तबीयत कैसी है? समीना रोज तुम्हारे लिए पूछती है। तुम्हारी बहू और समीना को लेकर जल्दी ही आऊंगा। बिजनेस की वजह से वक्त नहीं मिल पाता, तुम तो सब जानती हो माँ। देखो तुम किसी बात की चिंता मत करना, इस बार जरूर आऊंगा। मेरी बेटी आ रही है, जाना, जाकर देख के आ, मेरी बेटी आ रही है, जा।
जाके देखिए मम्मा, यहाँ जल्दी आइए। मेरी बेटी समीना, मेरे पास आशा, मेरे पास आ बेटी, मुझे देखना है तुझे, आ जाओ बेटी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं भारत से बोल रहा हूँ, तुम्हारा मंगू मामा। हाँ मंगू मामा, बोलो क्या खबर? बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? मालूम होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं जिएगी। क्या हुआ मेरी माँ को? अरे अभी तो तेरे बेटे को कामयाबी मिली माँ, वहां की सिटीजनशिप लेने में समय लगता है माँ, इतना कष्ट सहने के बाद मुझे वहां की सिटीजनशिप मिली माँ, और तू मुझे बिना मिले ही छोड़ के चली गई माँ। अरे तेरे बिना मेरा क्या होगा माँ, माँ तेरा बेटा अकेला पड़ गया माँ, कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के माँ। माँ मिठू बेटा, जाने वाला तो चला गया, तुम अपने आप को संभालो, उठो बेटा उठो, आओ आओ उठो, चलो उठो बेटा उठो, संभाल के। मंगू मामा, इमिग्रेशन का एक कागज, अरे क्या वो एक कागज मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा है? उस एक कागज की वजह से मैं अपनी माँ से आखिरी बार मिल ना सका। मेरी छोटी बेटी समीना रोज माँ के बारे में पूछती, मेरी बीबी माँ से मिलने के लिए बेचैन थी, लेकिन उस कागज की वजह से मैं माँ से मिल नहीं पाया। अरे आप ही बोलिए, क्या एक छोटा सा कागज क्या मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा कीमती? माँ तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? माँ तेरा बेटा, चाचा करीम, चाचा चाचा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाचा चाचा मैं 10 साल के बाद लौटा हूँ, मैं माँ के साथ कुछ देर रहना चाहता हूँ, चाचा चाचा मुझे अकेला छोड़ दो, माँ के साथ कुछ बात करना मुझे चाचा। उसके साथ चाचा, क्या बात करोगे बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, चलो अरे चलो बेटा, अरे चलो, अरे चाचा मुझे क्यों ले जा रहे हो, मुझे माँ से माफी मांगना है, इतना बड़ा अपराध संभालो बेटा, माँ माफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैं अपनी माँ का नालायक बेटा, मैं विदेश क्या गया, अपनी माँ को भूल ही गया। ए माँ, मैं तेरा नालायक बेटा हूँ माँ, मुझे माफ कर दे। संभाल, माफ करना माँ। खा भी लो, आने के बाद से तुमने पानी तक नहीं लिया है, मैं खाना निकाल रही हूं, खाने आ जाओ।
गुलाबो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला। माँ ने मुझे खत में सब कुछ लिखा था। तुमने जो मेरी माँ के लिए तकलीफें उठाई, मैं सोच भी नहीं सकता। इसमें भला तुम्हारी या किसी की आखिर क्या गलती है? मिठू, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश तो हो ना? खुश? मेरी खुशी तो मेरी माँ के साथ चली गई खुशी। नहीं, नहीं। छोड़कर चली गई, लेकिन अब तू भी मरेगी, वो भी मरेगा, तो क्या सिर्फ मैं ही जिंदा रहूंगा? इस सारी संपत्ति का मालिक बनूंगा, यही तुम लोग चाहते हो ना? मिठू, बेटे, कहाँ हो? मिठू, अरे बेटा, माँ की याद में ऐसे ही रोता रहेगा क्या? अपने आप को कब तक भूखा प्यासा रखेगा? तू नहीं खा रहा है इसलिए गुलाबों भी वहां भूखी है। इस तरह रहने से मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चल खा ले बेटा। हाँ, आजा बेटा, आजा मेरे साथ, आजा। विदेश जा रहा है इसलिए उदास है? तुमसे मैं इतना दूर रहूंगा ये सोचकर परेशान हूं। मिठू, हाँ, मैं तुमसे एक बात कहूं बेटा? हाँ बोलो। सुना है कि जो इंसान विदेश जाता है वो लौटकर जल्दी नहीं आता। तू अपनी माँ को बुला तो नहीं देगा ना? नहीं माँ, मैं जितना जल्दी हो सकेगा तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। माँ, तू सच कह रहा है मिठू? हाँ माँ, मैं तुम्हें छू कर बोलता हूँ, ये देख। माँ, जो लोग विदेश जाते हैं वो लौटकर जल्दी वापस नहीं आते। तू अपनी माँ को भुला तो नहीं देगा ना?
गुलाबो, माँ बोलती थी कि ये सारे गहने अपनी बहू को देगी, वो तो हो नहीं पाया, माँ का सपना अधूरा रह गया। तुम माँ के लिए सब कुछ थी, इसलिए ये गहने तुम रख लो, ले लो। मैं इस गहने का क्या करूंगी, ये मेरे किस काम के है? मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं, कोई नहीं। खाला तो मेरे लिए इतना कुछ रख कर गई। समीना तो अपनी दादी को देख नहीं पाई, तुम ये सब समीना को दे देना, समीना को दे देना, मुझे ये सब नहीं चाहिए। रोते नहीं, रोते नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आपका भाई हमारा भाई, नूर भाई नूर भाई, आपका भाई हमारा भाई, नूर भाई नूर भाई, नूर भाई आगे बढ़ो, हम भाई साथ हैं, नूर भाई आगे बढ़ो, हम भाई साथ हैं, नूर भाई का निशान, हम सबकी है पहचान, नूर भाई का निशान, हम सबकी है पहचान, नूर भाई का चरित्र, सारे रहे ठीक ही बोल रहे हैं। अरे उसका भी देश में होटल है। हाँ हाँ। तो सुनो, माला यहीं उतारो। ओ। जाओ, अब जाओ। मिठू घर में है क्या? मिठू, मिठू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है। सुना तुम्हारी माँ के बारे में, सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, मैं किसी काम से शहर गया था। मैं तो उनकी कब्र पर मिट्टी भी नहीं डाल पाया। बहुत ही नेक दिल औरत थी भाभी, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। खैर, इस गांव की खुशहाली के लिए मैं फिर से चुनाव में खड़ा हो गया हूँ। सुना कि चुनाव तक तुम गांव में ही हो, इसलिए मैं चाह रहा था अगर कल से तुम मेरे साथ मीटिंग में शामिल हो जाओ तो मेरी जीत पक्की हो जाएगी। तुम्हारा, गुलाबो, मंगू सभी का नाम होटल लिस्ट में है। बेटा, मेहरबानी करके अपना कीमती 2-4 दिन मेरे इलेक्शन कंपेनिंग के लिए दे दो। वाह रे वाह, इलेक्शन आज तक तो दिखाई नहीं दिया और अब आ रहे वोट मांगने? इतने दूर से तुम्हारे साथ घूमने के लिए आया है क्या? हाँ, सुन ले, इस बार के इलेक्शन में कैंपेनिंग तेरे खिलाफ यहाँ मैं शुरू करूंगी, समझे? हमारा स्लोगन क्या है जानते हैं? गुलाबों की जिंदगी को आपने क्यों खराब की, जवाब दीजिए। गुलाबों की शादी के दहेज में से रिश्वत आपने क्यों ली, जवाब दीजिए। गुलाबों की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। होश में बात करो मंगू, होश में बात करो। भाई तो क्या करेंगे आप? हमारे खिलाफ जो जाता है, इस इलाके में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब आप मंगू मामा को मारना चाहते हैं? हमारे खिलाफ अगर हमारा लड़का भी चला गया तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे।
आपने जो खेल शुरू किया है, अगर वो खेल मैं शुरू करूं तो क्या आप खेल पाएंगे? किससे बात कर रहे हो? होश में तो हो ना? ज्यादा होशियारी नहीं, मेरे खिलाफ अगर जाओगे तो फिर कभी वापस विदेश नहीं जा पाओगे। समझ लो कि खेल शुरू हो गया है, देखते हैं तुम जीत कैसे हासिल करते हो। इसके जिम्मेदार तुम हो, मेरा भतीजा लगता है। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई। क्या कह रहे हो सरपंच? चुनाव लड़ रहे हो तो इस तरह के केसेज राजनीति में होते ही रहते हैं। अरे इसमें बेइज्जती क्या है? बात दरअसल ये है कि गुलाबों ने उसका कान भरा है, उसी ने उसका कान भरा है और दिमाग भी खराब किया है। गुलाबों मैं इस गुलाबों की खबर लेता हूँ। शमसुद्दीन। जी हुजूर। गुलाबों को जानते हो? हाँ। आज रात ही गुलाबों को खत्म कर दो। हमारे सामने सर उठाने की जरूरत की है।
मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा। विदेश? हाँ, तुम अपनी तैयारी कर लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मकान, ये गांव, ये देश, ये सब छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुम यहाँ अकेली रहोगी तो मारी जाओगी। मारी जाओगी? मेरे मरने से क्या हो जाएगा? और अगर मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखो, कह देता हूँ कि जिद मत करो। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मेरे सिवा कौन है तेरा यहाँ? अगर माँ होती तो मैं कभी नहीं सोचता। ए, तुम समझ रही हो ना? नंदकिशोर, ए नंदू, तेरी नाव तो ठीक है ना? हाँ, नाव तो ठीक ही है, मगर तुम रो क्यों रहे हो? ना, हमारी गुलाबो यहाँ से जा रही है ना। गुलाबो? गुलाबो अब कहाँ जा रही है? वो लंदन जा रही है। ओह, समझ गया समझ गया, मिट्टू के साथ जा रही है। उसका वैसे भी कोई नहीं है, एक खाला थी उसकी, लेकिन वो भी मर गई। ठीक ही है कि वो जा रही है, नई दुनिया देखेगी। मैं उन लोगों को इस पार से उस पर पहुंचा दूंगा। ले आ उन दोनों को, मैं पहुंचा दूंगा। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, ठीक है। यादें यहाँ की, दुख भरी यादें यहाँ की, यही दिए जा बस नए ख्वाब तू आँखों में लिए जाए, बस नए ख्वाब तू आँखों में लिए जा। यहाँ तेरा दुख के सिवा अपना न कोई, हो यहाँ तेरा दुख के सिवा अपना न कोई, तेरे लिए कभी कोई आँख नहीं रोई। छोड़ दे तू सब खुदा पे, छोड़ दे तू सब खुदा पे, हंस के जिए जा बस नए ख्वाब तू आँखों में लिए जाए, बस नए ख्वाब तू आँखों में लिए जा। कहती है सुनो धारा बहती हुई, हो कहती है सुनो धारा बहती हुई, थोड़ी ही दूर पे है तेरी खुशी, बस दो चार कदम, बस दो चार कदम और बढ़े जा,
बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जाए, बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जा। दुख भरी यादें यहाँ की, दुख भरी यादें यहाँ की यही दिए जा। बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जाए, बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जा। क्या रे तू अकेला या? हाँ भाईजान। तेरी भाभी और समीना कहाँ है? हाँ भाईजान अब गाड़ी में बैठी है, लाइए। लाइए मुझे दीजिए। एक्सीडेंट हुआ है वो हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट? हाँ। क्या बात कर रहा है, सीधे हॉस्पिटल चल। रत्ना, 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 मेरी बेटी समीना कहाँ है? समीना मेरे घर पर है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन आपसे हमारी बात नहीं हो पाई। रत्ना, 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 मैं आ गया रत्ना। तुम आ गए। हाँ रत्ना। हमारी बेटी समीना कैसी है? वो ठीक है। समीना। रत्ना। समीना। रत्ना। समीना। रत्ना। हॉस्पिटल जाऊंगी, मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है वो हॉस्पिटल में है, मैं हॉस्पिटल।
लेकर जाऊंगी डैड, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। डैड मुझे हॉस्पिटल जाना। समीना यहाँ मेरे पास आओ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी हूँ मैं। अपने देश से आई है बेटा, जा। आओ। चलो मेरे साथ। मम्मी के पास जाऊंगी। मेरी मम्मी कहाँ है? यहाँ आओ। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी को अल्लाह ताला दूर आसमान में ले गए हैं। तुम्हारी मम्मी अभी आकाश में तारा बन के रह रही हैं। सच्ची? सच्ची। मम्मी क्या बोलती थी पता है? क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द बल सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। गुलाबो। हाँ। मैं जानता हूं तुम्हारा यहां दिल नहीं लग रहा, और यहां की भाषा भी तुम नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। यहाँ के नियम और कानून भी तुम नहीं जानती। ये देखो, ये चूल्हे को ऐसे जलाते हैं और ऐसे बंद करते हैं। और इधर देखो, ये है गर्म पानी और ये ठंडा पानी, और इसे यहां धोकर यहां रखना और इसे बंद कर देना। जिसका ये घर है वो तो अब रही नहीं, अब ये घर संसार सब कुछ तुमको ही संभालना होगा। समीना! समीना तो सो रही है। तुम पीते भी हो? हाँ पीता हूं, क्या करूं, मेरा तो कोई है नहीं। एक माँ थी वो चली गई, और समीना बार बार मां के लिए पूछती, क्या जवाब दूं मैं उसको? और गुलाबो मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं, और अब मैं चाहता हूं कि उस गुनाह को मिटा दूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी गुलाबो? क्या हम पहले के जैसे एक हो सकते हैं? वरना इस दिल में आग यूं ही चलती रहेगी। क्यों कोई
और पाना चाहे क्यों कोई, प्यार पाना चाहे। डैड, हम मम्मी से मिलने कब जाएंगे? हम मम्मी से मिलने नहीं जाएंगे क्या? देखो बेटा, खाना खाते टाइम बात नहीं करते। गुलाबो, आई। मैं होटल जा रहा हूँ, तुम समीना का ख्याल रखना और बाहर मत जाने देना, और तुम जरा भी बदमाशी नहीं करोगी, ओके? सर, यस सर, आज अपने होटल में पार्टी है। जानता हूँ, सबको कह दीजिएगा किसी को कोई परेशानी ना हो। सर, सिंह साहब हमारे पुराने कस्टमर हैं,
अगर आप खुद वहां रहेंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, सब अरेंज करके रखो, मैं आ जाता हूँ। थैंक यू सर। डैड तो मुझे मम्मी के पास लेकर नहीं गए, क्या तुम मुझे ले जाओगी प्लीज? ठीक है ले जाऊंगी। एक बात कहो, क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? अच्छा। मम्मी आकाश में तारा बन गई है, मुझे वो तारा देखना है, मुझे वो तारा देखना है। अभी आकाश में बादल है, तारा दिखाई नहीं देगा, मैं कल तुम्हें दिखा दूंगी। तो फिर आज तो मुझे गाना सुनाओ, मम्मी तो रोज मुझे गाना सुनाती थी। अच्छा ठीक है आओ, अभी सुनाती हूँ। कसूर मेरा कोई मुझे बताए, तन्हा भला यहाँ बोलो कैसे जी पाए। क्या कसूर मेरा कोई मुझे बताए, तन्हा भला यहाँ बोलो कैसे जी पाए। क्या कसूर मेरा, गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी तो समीना ले गई। ओ माय गॉड, आज ये फिर से एक्सीडेंट कर बैठेगी। हाँ? मार दिया रे। नॉनसेंस, इजिट, रबिश, दिखता नहीं क्या? दिस इज लंदन। फिर से पीने लगे? अब क्या दुख है तुम्हें? इतने दिनों से कह रहे थे कि बेटी बड़ी हो जाएगी तो हम अपने गांव चले जाएंगे, अब तो वो भी बड़ी हो गई। मेरा इन चार दीवारी में दम घुटता है, मुझे वापस ले चलो। अरे अरे नाराज मत हो, वहाँ कौन है अब तुम्हारा? सारा गांव हमारा है, हम वहीं रहेंगे। यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? तुम मेरे मन की बात समझने की कोशिश करो। अब मैं एक दिन भी यहाँ रहना नहीं चाहती, सुन लो, जितनी जल्दी हो सके वापस चलो। दिमाग को ठंडा रखो, ठंडा रखो दिमाग को। अगर तुम चली गई तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कहने को यारों अपना सारा ये जहान है, मगर ये बदन भी तो भाड़े का मकान है, भाड़े का मकान है वो बंदे रे।
सोच ले जहां में तूने तेरा क्या कमाया है, खुदा के सवालों का क्या देगा तू वहां जवाब, वक्त है अभी भी हो जा बंदे होशियार, हम है पापी वो है परवरदिगार, हम है पापी वो है परवरदिगार, हम है पापी वो है परवरदिगार, हम है पापी वो है परवरदिगार। आप कुछ कहना चाहती ऐसा लगता है। हाँ, आप बड़ा अच्छा गाते हैं, वतन की याद आ गई। जी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुख्तार है। और आपकी तारीफ? मेरा नाम गुलाबो है, कभी हमारे घर पर आओ ना। लेकिन मैं तो आपका पता ही नहीं जानता। हमारा पता है सिक्स बेस्ट बैंड रोड, सागर रेस्टोरेंट, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, चलती हूँ। कॉपी दे दीजिए। मैडम इतने सारे सीडीज? मेरी अम्मी जान है ना, उन्हें इंडियन म्यूजिक बहुत ही पसंद है। थैंक्स। यू आर वेलकम। यहाँ? सलाम वालेकुम। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? क्या बताऊं, लंदन आके मुसीबत हो गई है। हाँ? कोई नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान हूं मैं। ठीक है, तुम मेरे घर आओ। अच्छा, इस लड़की की तस्वीर यहाँ पे, ये क्या चक्कर है? मुख्तार, क्या बात है? इसको तुम जानते हो क्या? हाँ जानती है, एक दिन रास्ते में इसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों? अब मैं क्या बताऊं, इस लड़की का दिमाग बिल्कुल ही खराब है। वो दरअसल हमारी बेटी है, हमारी इकलौती बेटी है। अब बैठो। वो दरअसल दिल की बहुत प्यारी है, अभी घर में नहीं है। ओके। उससे मिलोगे तो जान जाओगे कि वो कितनी प्यारी लड़की है। तुम अपनी सुनाओ। वही जो बोला था, जॉबलेस। कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप तो जानती हैं कि जॉब ना हो तो कोई लंदन जैसे शहर में नहीं रह सकता। तुम परेशान मत हो, मैं समीना के पापा से बात करके कल ही तुम्हारा काम करवा दूंगी। और यही? हाँ, समझो तुम्हारी नौकरी लग गई, लो अब खाओ। थैंक यू।
समीना, ए समीना, अरे भाभी जान। भाभी जान आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे भाभी जान अभी तक आप घर पे ही हैं, वहाँ पे सारे मेहमान आ चुके हैं और बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चलिए। अच्छा ठीक है, आप लोग चलिए, हम लोग आते हैं। जल्दी आइएगा, हम लोग चलते हैं। अब इजाजत दीजिए। नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन थोड़ा दिल बहल जाएगा, तुम बैठो, समीना आ जाए, एक साथ चलेंगे। लगन देखो लग गई रे लंदन शहर में, मनो सज गई रे लंदन शहर में, शहनाई बज गई रे लंदन शहर शहर में।
ये लीजिए, मेरी नौकरी लग गई है, आपके होटल में ही नौकरी लगी है। अच्छा, congratulations. थैंक यू। खाना नहीं खिलाएंगे? हाँ जरूर, चलिए ना, मैं आपको लंच कराना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे एक जरूरी काम है, हाँ कल पहुंचा दूंगा। थैंक यू। किसकी बात कर रहे हो? मुख्तार सर, काम छोड़कर कभी भी चला जाता है, उससे हम लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। जी सर। हाय। जाओ, मैं नहीं खाऊंगी।
की लड़की लड़कियां लेटर लिखते हैं क्या? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। लंदन आके क्या फायदा हुआ? नहीं समझे। कुछ भी नहीं समझे ना। पागल। मन की दासता मैंने मेरी जान लिख दिया है, मैंने मन की दीवार पे हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। मन की दासता मैंने मेरी जान लिख दिया है, मैंने मन की दीवार पे हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। जगा दिया रुजू साथ जीने मरने की मैं और क्या कहूं। सदियों से ही दिल को इंतजार था तेरा, इस तरह से दिल क्यों बेकरार था तेरा। धड़कनों का हाल क्या सुनाए जान जा, सुना था तेरे बगैर दिल का जहां। लिख दिया मैंने मेरी जान लिख दिया है, मैंने मन की दीवार पे हजारों गुलाब से खुशबू बिखेर के। और जमन में आ निकल गए। होपलेस। आई डोंट नीड यू एनी मोर। क्या हुआ, अब खड़े क्यों? तुम्हारे लिए यहां पर अब कोई काम नहीं है, जाओ। सर, मुझसे भूल हो गई, आगे फिर कभी ऐसा नहीं होगा।
मुझे माफ कर दीजिए। वतन का सेंटीमेंट यहां नहीं चलेगा, ये लंदन है, यहां पे काम करके खाना मिलता है। दिस इज लास्ट वार्निंग, काम पे जाओ। थैंक यू सर। मम्मी मम्मी सुनो, मम्मी मम्मी क्या हो गया? मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी प्लीज, मम्मी 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 मेरी बात सुनो, मैं और अब यहाँ नहीं रह सकती। मम्मी मुझे जाने दो। क्या हो? मम्मी मम्मी प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी बचपना मत करो, मम्मी तो मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या? हम लोग सब साथ में इंडिया चलेंगे। चलो ना मम्मी घर में चलो, आज डैडी को आने दो, मैं खुद बात करूंगी। चलो अंदर चलो ना मम्मी, मम्मी प्लीज अंदर चलो, चलो। डैड डैड, अच्छा आप क्या है बोलिए तो, आपको हम लोगों की कोई फिक्र भी रहती है? क्यों, क्या हुआ? मम्मी की हालत पता है? नहीं तो क्या हुआ उसे? क्या बताऊं, आजकल मम्मी कुछ खा पी भी नहीं रही है, जब देखो सिर्फ रोती रहती हैं, रात को सो भी नहीं पाती, बात बात पे गुस्सा करती हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बातों को अवॉइड करती हैं, और जानते हैं कभी कभी गांव जाऊंगी ये कहकर चिल्लाने लगती हैं। क्या गुलाबो, गुलाबो यहाँ तेरा दुख के सिवा अपना न कोई, हो यहाँ तेरा दुख के सिवा अपना न कोई, तेरे लिए कभी कोई आँख नहीं रोई। छोड़ दे तू सब खुदा पे, छोड़ दे तू सब खुदा पे, हंस के जिए जा, बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जाए, बस नए ख्वाब तू आंखों में लिए जा। उसका ख्याल रखो, मुख्तार डॉक्टर को लेके आ रहा है। मुझे अपने गांव जाना है, मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। मुझे जाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे ले चलो मिठू, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो। Nothing to worry about it. Come with me now. I explain to you. मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। Doctor, please tell me how is condition right now. She is having irregularities with her food and rest. Oh. Is she from India? Yes. I think she is homesick. Oh. It will be better to take her back India. Okay, I will talk to my boss. You're most welcome. Thank you. Thank you, doctor. मैं अपने गांव जाऊंगी। कहाँ गए थे? यूं ही बाहर गया था।
कुछ काम था। अच्छा, मम्मी की तबीयत कैसी है? सो रही है। ये मम्मी हमेशा गांव जाने की बात क्यों करती रहती हैं? ये तो उनकी आदत है, बचपन से ही देख रही हूँ। रह रह कर बोलती हैं, भारत में अपने गांव चली जाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी को जल्दी ही गांव लेके जाना चाहिए। डॉक्टर ने भी बोला है, शी इज होमसिक। प्यार किया किंतु मुझे तुमसे कुछ नहीं मिला। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुमने मुझे बस इस चार दीवारी में मुझे बंद करके रख दिया। तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे तुम गांव पहुंचा दो। मैं गांव जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं अपने गांव की मिट्टी में रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मुझे गांव ले चलो। अब यहाँ नहीं रहूंगी मैं। मुझे ले चलो। नौटी। लाओ तुम्हारा हाथ देखो तो। लाओ ना। क्या देखोगे? इसमें लिखा है। क्या लिखा है? बोलो पंडित जी, क्या लिखा है? बहुत जल्दी। अरे ये क्या है? अरे जरा ठीक से देखना तो ना। अरे क्या हुआ? स्ट्रगल कर रहे थे और लंदन आकर नौकरी नहीं मिली, और नौकरी मिलते ही काम का बहाना करके मालिक की बेटी के साथ इश्क लड़ाने लगे। गेट आउट ऑफ माई हाउस। आउट। तुम्हारी जेल
जीवन में तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। आज मेरी एक बात मानोगे? कौन सी बात? समीना मेरी बेटी है, मैं उसका दुख नहीं देख सकती। समीना मुख्तार से प्यार करती है। मुख्तार के बिना समीना बचेगी नहीं। मैं जानबूझ के एक सड़क छाप के हाथ में उसका हाथ दे दूं? क्या है मुख्तार, क्या है? लंदन की सड़कों पे भटक रहा था, तुम्हारे कहने पे उसे नौकरी दी मैंने, वो भी कर नहीं पा रहा है, और ऐसे आदमी के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे दूं? तुम्हारे पास क्या था? मैंने मेहनत से सब हासिल किया है, और वो स्टूपिड मुख्तार, इंडिया में उसका है ही कौन? उसके खानदान का कोई ठिकाना है? हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। ए गुलाबो, हमारी बच्ची अभी नादान है, तुम तो समझने की कोशिश करो। हम अपनी इकलौती बेटी को ऐसे रास्ते पे नहीं फेंक सकते। गुड नाइट। से मेरी बेइज्जती की है, तुम भी तो जानती हो, अपनी आंखों से देखा तुमने। मैं भी इंसान हूं, कोई गली का कुत्ता नहीं। अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुख्तार, भूल जाओ तुम मुझे, भूल जाओ। सबीना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, बुलाओ उसे। अपने कमरे में है, 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। क्या बोली? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। क्या बोलूं तुम्हें, तुम सब जानते हो मगर समझना नहीं चाहते, ना समझने का नाटक करते हो। समीना, समीना, ए समीना, ए, क्या हुआ तुमको? खाना पीना छोड़ दिया, किसी से कुछ बात भी नहीं करती। समीना, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं, इतने बरसों तक गुलाबों के साथ मैंने भी तुम्हें मां बनकर पाला है।
क्या अपने मन की बात मुझे नहीं बताओगी? डैड, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, उसको छोड़ के नहीं रह सकती। मैं मुक्ता से प्यार करती हूँ। फिर से तूने उस मुख्तार का नाम लिया जो मेरे होटल में एक छोटे से वेटर की नौकरी करता है। तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? आप इधर लंदन में आके वेटर का काम करते थे डैड, तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? आप चाहे जो भी कर लीजिए, मैं उसे प्यार करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। गौर से सुन, दोबारा अगर तेरी जुबान पर उसका नाम आए तो मुझे जान से मारूंगा। मैं समझूंगा मेरी कोई बेटी थी नहीं, बिना औलाद के था मैं। मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई
चाह के भी ताउम्र समीना को मैं भूल नहीं सकता, नहीं भुला सकता। समीना के पापा राजी हो गए हैं, मगर मैं एक साधारण सा आदमी हूँ और समीना के पापा एक बहुत बड़े आदमी हैं। भला ये मेल कैसे हो सकता है? आज तो वो अपनी बेटी की आंसू देखकर मान गए हैं, लेकिन लेकिन भविष्य के लिए कभी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं जानते, मेरी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जल्दी ही समीना के पापा मुझे लेकर इंडिया चले जाएंगे। लंदन का ये सब कुछ, घर होटल सब समीना और तुम्हारा ही तो है। और मैं अगर मैं किसी दिन ठीक हो गई तो एक बार यहाँ तुम्हें और समीना को देखने एक बार जरूर आऊंगी। यहाँ आगे सब कुछ तो तुम्हें ही देखना है। अब मुक्तार, मुक्तार, इस दुनिया में समीना के सिवा मेरा मेरा कोई नहीं है। तुम उसका ख्याल रखोगे, मैं जानती हूँ। तुम एक बार मेरे साथ चलो, समीना के पापा से तुम्हारी गलत फहमी दूर करा सकूं। चलो मुख्तार, ए मुख्तार, चलोगे नहीं? मेरी बात नहीं रखोगे? हाँ ए मुख्तार, चलोगे नहीं? ये बात नहीं मानोगे तो एक बार चलो, एक बार चलो, एक बार चलो मुख्तार, मेरे साथ चलो प्लीज। ठीक है, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा वहां, मैं चलूंगा। चलिए। नसीब वाले हो, तुम्हारी उम्र में लंदन शहर में मैंने बहुत तकलीफ उठाई है। बड़ी मुश्किल से तब कहीं जाके मुकाम मुझे हासिल हुआ है। समीना भी नादान है,
उसका ख्याल तो रखोगे ना? वो बड़ी जिद्दी लड़की है, बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। एक बाप का फर्ज निभाते निभाते मैं भूल गया था कि बेटी बेटी को शादी करके विदा भी करना पड़ता है। अब वो बड़ी हो गई है, अच्छा बुरा समझ सकती है। बस अब तुम दोनों खुशहाल रहो, इसी में हमारी खुशी है। यहां पर मेरा जो कुछ भी है, मेरा कारोबार, होटल और घर बार, सब तुम लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अब मुझे छुट्टी दो, गुलाबों के साथ बाकी के दिन हिंदुस्तान में बिताऊंगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे क्या? ना, लंदन आया था मैं पैसा कमाने के लिए, और सब कुछ कमा लिया, और कुछ नहीं चाहिए। वहां अपने गांव में माँ बाप की कुछ यादें हैं, उन्हीं यादों के सारे अपने दिन बिताऊंगा। और एक बात, अगर सुन लिया कि मेरी बेटी खुश नहीं है, तो मैं सात समंदर पार करके फिर से वापस आ जाऊंगा। आप मुझ पे भरोसा रखिए। चलो मेरे साथ, कुछ जरूरी काम निपटाना है।